कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठनों और इस आंदोलन को हवा दे रहे राजनीतिक संगठनों को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना के लिए कृषि मंत्री कमल पटेल हरदा में मां नर्मदा के नाभि स्थल पर एक दिन का उपवास रखेंगे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने सेंट्रल प्रेस क्लब के प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठनों और इस आंदोलन को हवा दे रहे राजनीतिक संगठनों से हाथ जोड़कर आंदोलन वापस लेने की अपील की है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा, आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के नेताओं की सद्बुद्धि के लिए वह 4 फरवरी को हरदा में मां नर्मदा के नाभि स्थल पर एक दिन का उपवास रखकर प्रार्थना करेंगे। कमल पटेल ने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार गांव में संपत्ति का स्वामित्व दिया गया है। कृषि कानून बनाकर किसानों को उद्योग व्यापार के क्षेत्र में बराबरी पर लाने का प्रयास किया गया है। इसमें व्यवधान डालने से बाज आना चाहिए। देश तरक्की की राह पर है, इसे चलने देना चाहिए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।